हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सभी लोग? आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो का प्लीज़ स्किप नहीं करना। खास तौर पे गर्ल्स के लिए है, लेडीज़ के लिए है, जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ मिस जरूर कर दिया है। ज़रूर इस वीडियो को आप अंतिम तक देखो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनका शिकायत होता है, जिनकी शिकायत ये होती है कि उनका जो वजाइनल पार्ट होता है वो लूज़ हो चुका है। दोस्तों, अक्सर नॉर्मल डिलीवरी के बाद देखा जाता है कि वजाइनल एरिया जो होता है, वजाइनल पार्ट जो होता है, वो लूज़ हो जाता है। और बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम्स ये होती है कि बहुत सारी लेडीज़ की शादीशुदा लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो वजाइना है वो लूज़ हो चुका है, और कैसे उसको आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और लाइक का बटन तो क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, तो वीडियो में सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वजाइना लूज़ हो चुका है। तो उसके लिए आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको घर पर ही आसानी से टेस्ट कर सकते हो कि कैसे आप अपने वजाइना की। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं जो बता रही हूँ उसी तरह से आप करो, आपको पता चल जाएगा। आप आपका थ्री फिंगर लो, और थ्री फिंगर को आसानी से अगर आपके वजाइना यानी कि आपकी योनि में तीन फिंगर तीन उंगली आसानी से चला जा रहा है, इसका मतलब आपका वजाइना लूज़ हो चुका है। दोस्तों, तो लूज़ हो चुका है तो अब इसका कोई उपाय नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, कुछ कुछ तो होगा ही। दोस्तों, तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो चीज़ जिसकी वजह से आप अपने लूज़ वजाइना को टाइट कर सकते हो। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आपने पता कर लिया कि आपका वजाइना अब तो लूज़ है, अब इसके लिए क्या किया जाए? करने कुछ नहीं है, दो तीन एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि आप कहीं भी आसानी से घर बैठे हुए, काम करते हुए, किचन में रहते हुए, बाथरूम जाते हुए, कहीं भी कर सकते हो। तो आसानी से इसको अपना एक डेली रूटीन में शामिल करो और अपनी लूज़ वजाइना को टाइट करने का तरीका ढूंढ लो। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे जो होता है, आपका ध्यान रखना कि पेट के नीचे एक एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन पार्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज इस तरह से करना है कि यहाँ का मसल जो है खींचे, और जिसकी वजह से वजाइना का जो एरिया है वो भी ऊपर की ओर खींचेगा, उसका मसल्स खींचेगा, बिल्कुल ऐसे से ऐसे सुकड़ना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे बार बार आप जब करोगे तो वो एक्सरसाइज करते करते वजाइना का जो मसल्स है वो धीरे धीरे सुकड़ना शुरू हो जाएगा, और आपका योनि यानी कि वजाइना थोड़ा थोड़ा टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कहीं भी आप खड़ी हो रहे हो, बैठे हो रहे हो, तो आपको एक्सरसाइज क्या करना है, आपको सांस ऊपर की ओर खींचना है। इससे आपको फ़र्क लगेगा, यहाँ का जो आप मसल्स ऊपर की ओर खींचोगे, खास तौर पे कोशिश करो यहाँ जो एब्डोमेन का उसको आप ऊपर की ओर हल्का सा ऐसे सिकुड़ना, उससे क्या होगा आपका वहाँ का जो मसल्स है योनि का मसल्स वो भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके सिकुड़ेगा ऐसे करके। तो बिल्कुल यहाँ से आपको आराम से धीरे धीरे करके खींचना है। कुछ ही दिन को एक्सरसाइज करते करते आपको फ़र्क नज़र आएगा, और आपका योनि में थोड़ा बहुत जो है टाइटनेस दिखने शुरू हो जाएगा। तो इसको आप डेली रूटीन में शामिल करो, बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल है, कभी भी आप कर सकते हो, खड़े खड़े कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो, जब भी टाइम मिले तब भी करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कब कर क्या रही हो। तो कुछ नहीं करना होता, सिंपली ऐसे यहाँ का मसल्स आपको खींचना है, यानी कि योनि के नीचे का मसल्स आपको खींचना हुआ फील होना चाहिए कि यहाँ का मसल्स आपका खींच रहा है, तभी आपको एक्सरसाइज का फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया एक एक्सरसाइज जिसको आपको कंटिन्यू करना है, डेली करना है, जब भी मन हो तब भी करो, कोई पाबंदी नहीं है। और उसका दूसरा बता, दूसरा के लिए क्या है कि आपको टॉयलेट जब भी आता है, बाथरूम आप जब भी करने के लिए जाते हो, तो आपको अगर प्रेशर आता है बाथरूम के लिए, तो आपको जो बाथरूम आता है टॉयलेट उसको निकलने दो, एक बार पास आउट होने दो, फिर उसको होल्ड करो 3 सेकंड के लिए, 1 2 3 काउंट करो, 3 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर पास आउट होने दो, फिर 3 सेकंड के लिए 1 2 3 काउंट करो, 3 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर पास आउट होने दो, फिर 3 सेकंड के लिए होल्ड करो फिर पास आउट, मैंने 3 बार आपको 3 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और आपको 3 बार 4 बार दिन भर में 3 बार अगर आ रहा है तो 3 बार कंटिन्यू करो ही करो, 3 बार करो और
काउंट करते हुए 3 बार होल्ड करते हुए करो। इससे भी आपको फायदा होगा, आपका जो यूनिक मसल्स है धीरे धीरे टाइट होना सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से आपका कंटिन्यू करते करते अगर डेली एक्सरसाइज में इसको शामिल करोगे तो आपका यूनिक जो है धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और वो टाइट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी योनि लूज़ हो चुकी है, वजाइना लूज़ हो चुका है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और बहुत ही यूज़फुल है। और मैंने जो अभियान शुरू किया था #, चलो जागरूकता फैलाएं, तो दोस्तों प्लीज़ जागरूकता फैलाओ ही फैलाओ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी इस टॉपिक पर बात कर सकते हो उसको बात करके बताओ, इस वीडियो के बारे में बताओ, उसके साथ शेयर करो और बोलो कि ऐसा होता है अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो। सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और वो अपने शादीशुदा लाइफ को ठीक करने में कर सकते हैं। यार प्लीज़ शेयर करो, कमेंट्स करो और लाइक करके अपने अनुभव को शेयर करना ना भूले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस चैनल के मेंबर बन जाओ। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।